जल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे जल हं शं उदं शं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दनी, नमा कैटव हारिणे, नमस्ते महिषार्दनी, नमस्ते सोमहंत्री च निशुंभासुर घातिनी। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व मे। ऐंकारी षष्ठ रूपाय ह्रीकारी प्रतिपालिका, क्लीकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमुष्टते। चामुंडा चंड घाती च ऐंकारी वरदायिनी, विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दाम्भीं धूर्जटे पत्नीं बाम्भीं वों वागधीश्वरी, राक्षीं क्रूं कालिका देवी सांसीं सों मे शुभं कुरु। ओंकार रूपिणे जम 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 वैनादिनी, ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं सं भीं दुं ऐं भीं हं सं। धिजाग्रय धिजाग्रय त्रोटय त्रोटय धीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां किं कुं पार्वती पूर्णं, कां किं कुं केशरी तथा। सां सीं सुं सत्य सती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जकास्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे, अवक्तेनैव दावक्तं गोप्तं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जकाया देवीं हीनां सत्य सती पठेत्, न दायते हृद्यरण्येरोदनं यथा रण्येरोदनं यथा। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संघारकारिणीं, निद्रां भगवती विष्णोरत्वां तेजसा प्रभो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णुं। त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य, शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, वैविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवि नमोस्तुते। रोगानि शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामानि सकलानि भीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिता हि श्रेतां प्रयन्ति। जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्य देहि मे परमं त्वं। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जयि, यशो देहि द्विषो जयि। ओम दुर्गादित्ये नमो नमः। सत्य सत्य सति पाठांगत्वे न पाठे संपूर्णम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतकं नमः। नमः प्रकृत भद्राय निरतः प्रणतः स्मृतामं। दुर्गादित्यै नमो नमः। बोलम्बे मात की जय, जगदम्बे माता की जय। आइए आप कहाँ बैठे हैं? नहीं नहीं जैसे नहीं आप आ जाइए ना, नहीं जैसे आ जाइए। हरिओम सूर्य मेरे सिपाही नाम ते मैं को आती जा।
कुंडलीकाक्षुचि सावायाभ्यंतराशुचि कुंडलीकाक्ष पुनातु कुंडलीकाक्ष पुनातु। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः, केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, हस्तो ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः। हरि ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः। ओम केशव ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयर्षि हाथ पी लीजिए, हस्तो प्रक्षालयर्षि केशाय नमो नमः। हरि ओम पृथ्वी चांद्रिता विभुगा देवी तं विष्णुनादिता त्वं च धारयामां देवीं पवित्रं कुरु चासनं पृथिव्यै देव्यै नमो नमः, पृथ्वी कुरुहि देव्यै नमः। हरि ओम अग्निदीप प्रज्वलनम् दूसरा माइक दे, माइक बदल दो। दीप प्रज्वलन ओम चंद्रमानसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतमे पापं पूजादीप नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योतिर नमोस्तुते। भो दीपस्त साक्षवे नमः। थोड़े से फूल चावल ले रहे हैं हाथ में, वो फूल और तिल सबको देंगे, हाथ लगा लीजिए सब, हाथ लगा, हाथ लगा। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः, नमः प्रकटभद्राय नृतः प्रणतास्मितां, नमस्तेऽस्तु महारुद्रे महाघोरमहेश्वरे महावरे महोत्साये महाभयविनाशिनि, नमस्तेऽस्तु महामये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमो विष्णुलक्ष्मी देवताभ्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अथ विष्णुः अभिषेकम्। हरिः ॐ सहस्रशिरकपुरुकाः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वत स्वातिष्ठत साङ्गुलं महापुरुष एवेदगुं सर्वञ्जलभूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतशेषानो जनन्नेनातिरोहति एतावांश महिमातो जायाश्च पूरुकः पादश्चा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि त्रिपादूर्धुदयित् पूरुकः पादुश्चेह भवत्पुनः ततो विघ्नं वक्रा मत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यनिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञासर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यतुस्माद्दजायत तस्मात्तस्मा अजायन्त जेके चोभयादता गावो हजग्निरे तस्मात्तस्माज्जात अजाभयातं जग्निं वरै वरोक्षन् पुरुकं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च जेत् पुरुकं व्यदधुः कतिधाव्य कल्पयन्न मुखं
पश्यासी किं बाहू किमुरु पादा उचेति ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहू राजन्यः कृतः उरु तदशेदभिश्च पद्राम् शूद्रो अजायत चंद्रमा मनिषो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादिरजायत नाभ्या आसीदन्तर्क्षतुं शीर्षवद्यो समवर्ततः पद्राम् भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्पुरखेण हविखादेवादिन्यमतन्वतः वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्वी सप्ताशापानि हृदयस्त्री शब्दसमिदः कृताः देवादितन्वाना अवदन् पूर्वकं पशुम् जग्रेण जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहानाकं महिमानः सचन्द्रदृ पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ पयः पृथिव्यां पयो गदीकूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वधीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम् पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः दुग्धाभिषेकं कीर्ति दुग्धाभिषेकं समर्पयामि ॐ बोल विष्णु भगवान् की जय। ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ॐ विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः जलान्ते जलान्ते जलाभिषेकं समर्पयामि अथ दधिस्नानम्।
सर्वांगेष्णानियम आचमनीयम जलम समर्पयामि अथ सर्करास्नानम्। ॐ आपः गुं रसमुद्वाय सर्गुं सूर्ये गुं समाहितम् अपार्षजवो नाणमुत्तमपया मगरीतोषीन्द्राय दुष्टतमम् ग्राम्यते खदेजोरिन्द्राय दुष्टतमम् इक्षुसार समुद्भूतम् शर्कराम् पुष्टिदाम् शुभाम् मालापारिकाम् दिव्यम् स्नानार्थम् प्रतिगृहीताम् ओम विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः। शर्करास्नानार्थे शर्करास्नानीयम् समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकम् जलानान्ते जलानान्ते जलम् सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयम् जलम् समर्पयामि आपोहिष्ठामयो भव तानौर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे। शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो परिवालस्तासुना श्वेतास्त्रस्ते अवरामा नवो रूपा पारजन्या। और विष्णु भगवान की जय। ओम श्रीष्टते लक्ष्मीष्टपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिरो व्याप्तम् षड्मिखाणः मुम्बैखाण सर्वलोकम् मैखाणः। हरिओं ओं हृण्यवर्णाभरणी सुवर्णरजतश्रया चंद्रामृण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनदकामिनी यश्चामृण्यम विन्देयम् गामश्वम् पुरुषानहम् अस्य पूर्वामृतमग्धा हस्तनादा प्रमोदिनी श्रीअम्बासाय मेकुलीमातरम् पद्मवारिणी काशोस्मिताम् हृण्य प्रकारम् माद्रम् ज्वलन्तीम् तृप्तयाम् तर्पयन्तीम् पद्मे संस्थाम् पद्मवर्णाम् तामहोपहवेश्रियम् चन्द्राम् प्रभासाम् निशसाम् ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देव दुष्टा मुदाराम् ताम् पद्मीम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्म्याम् नश्चात्तम् मृणे आदित्यवर्णे तपसाधिजातो वनिष्पतिष्ठो वृक्षो देविल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या हन्त्रायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु माम् देव सखा कीर्तिश्च मयना सह प्रादुर्भूते तु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिम् वृद्धि ददातु मे सुप्रभा सामलाम् ज्येष्ठा महालक्ष्मी न साम्यम् आविर्भूतिम् च समृद्धिम् सर्वानिर्णात मे गणा गन्धद्वाराम् दुरादर्शाम् नित्यपुष्टाम् करीश्वरी ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामहोपहवे श्रियम् तामहोपहवेश्रियम् मनसा काममाकूतिम् वचा सत्तमसीमहि पशूनाम् रूपमन्यश्च मयि श्रियश्रियताम् यसा कर्दमेण प्रजा भूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियम्बासाय मेकुले मातरम् पद्ममालिनी अपास्तुजन्तुस्निग्धानि चिकलीतवशमे गृहे नीच देवीम् मातरम् श्रियम्बासाय मेकुले आद्रम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हृणमयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आद्रायाकरणीयष्टि सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हृणमयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्च हृण्यप्रभूतम् तावो दास्य स्वन् विन्देयम् पुरुषाणाम् या शुचिः प्रयतो भूत्वा योदाजमहन्महम् सूक्तम् पञ्चदशम् च श्रीकामः सततम् भवेत् श्रीकामः सततम् भवेत्। ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम् नमः नमः प्रणवद्धाय नृता प्रणतास्मिताम् ॐ लक्ष्मीदेव्यै नमो नमः दुग्धाभिषेकान्ते दुग्धाभिषेकम् समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकम् जलानान्ते 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 जलम् सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयम् जलम्
च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ॐ लक्ष्मीदेव्ये नमो नमः। शुद्धोदकं जलं समर्पयामि अथ तदधिष्ठानम्। ॐ नदीकरावडो अकारिकं जिष्णोरसुस्यबाजिनः सुरभिलो मुखाकरत् प्रहायुति कुन्तारिकत् पयसस्तु समदभूतं मधुरं मलं शशिप्रभं दद्यानीतं मया देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ लक्ष्मीदेव्यै नमो नमः। दधिष्णानार्थे दधिष्णानं समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकम् जलानान्ते जलं सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयम् जलं समर्पयामि। ॐ घृतम् ममिच्छे घृतमस्याजो निर्घृते घृतौ नवनीत समुद्पन्नं सर्वसंतोषकारिकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ लक्ष्मीदेव्ये नमो नमः। घृतस्नानार्थे घृतस्नानिं समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकं जलम् जलानान्ते जलं सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयम् जलं समर्पयामि। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। अथो मधुस्नानम्। हरिः ॐ। मधुपातारिताय तक् मधुक्षरन्ति सिन्धवाः माद्भिर्गावो भवन्तु मधुरक्तं च मधुकसो मधुमत्पार्थिवगुं रजाः मधुदिवसस्तु पिता मधुमानो परिष्पतिर्गमा अस्तुमीर्जा माद्भिर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणो समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरादिभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः। मधुस्नानार्थे मधुस्नानीयं समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकं जलम् जलानान्ते जलं सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। आपोष्ठामयो भवतार ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे अथ शर्करास्नानम्। हरिः ॐ। माहं अपहगुं रसमुत्पयसगुं सूर्जेगुं समाहितम् अपारस्यवो घ्राणमुत्तमपयामगरीतो मगरीतोषीन्द्राय दुष्टतमं ग्राम्यते कदे ज्योतिरिन्द्राय दुष्टतमं इक्षुसार समुद्भूतम् शर्करां पुष्टिदां शुभां मालापारकं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः। शर्करास्नानार्थे शर्करास्नानीयं समर्पयामि तदङ्गत्वेन शुद्धोदकं जलानान्ते जलानान्ते जलं सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। जिसको भी वो रोग होते हैं ना उसको भी अच्छा में रोग उन्हें भी एक बार पंचम का स्नान जरूर करना चाहिए। अच्छा।
हाँ जी सभी सभी बांटते हैं। चरणामृत पीना चाहिए, पंचामृत अभिसिंचन, पंचगव्य शुद्धि के लिए, उसमें पांच चीजें होती हैं, गोबर मूत्र दूध घी जो गाय की पांच चीजें, हाँ वो शुद्धि के लिए, जब कोई किसी के यहाँ बच्चे अच्छे होते हैं तो शुद्धि के लिए पंचगव्य से किया जाता है, सूतक निकालने के लिए पंचगव्य। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। बस अब से हो गया, कितने पंडित हैं आपको? बहुत सारे, हम सब पंडित ही हैं, सब भी पंडित, फर्स्ट हाफ सेकंड ये थर्ड और हम सब तो हम बैठे हैं असली पंडित पंडित जो पंडित है कालिदास की तरह पंडित रिकॉर्ड हो रहा है सब असली पंडित जी आवा हम कुछ दिखावे के अच्छा चलो बोल विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी माता की जय शुरू किया था कहीं भी पेड़ पौधे में सिंक के ऊपर रखा, वहाँ साइड में जगह है, देखने का उधर मेरे बच्चे मालिनी सुगंधिनी मालित्यादी वै प्रभु मया हृता पुष्पा पूजा प्रतिगृह्यता ओम विष्णुलक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः। तिलान्ते श्वेततिलं पुष्पमालान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं कामदमोक्षदं चैव सिंदूरं प्रतिग्रहीयतां चंदनं मल्योद्भूतो कस्तूर्यादिसमन्वितं विलेपनं स्वराश्रेष्ठा चंदनं प्रतिग्रहीयतां विष्णुलक्ष्मीदेवताभ्यो नमो नमः। सिंदूरां तेति सिंदूरं चंदनां तेति चंदनं
समर्पयामि अथ वस्त्रं ते त्रिवस्त्रम् ॐ यवासवासा परवीत आकाशाव श्रेय भवति जायमानः तं धिया कवयो नन्ति साध्यो मनसा देवयन्ता ॐ विष्णुलक्ष्मीदेवताभ्यो नमो नमः वस्त्रान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रान्ते उपवस्त्रम् समर्पयामि
ओम विष्णुलक्ष्मीदेवताभ्यो नमो नमः द्रव्यदक्षिणाय समर्पयामि। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव चा आगता सुख संपत्ति पुण्याहं तव दर्शनात् यदक्षरा पद भ्रष्टा मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। देव प्रसीद परमेश्वर विष्णुलक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। और विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी
इस मुकाम पर पहुंचा दिया ताकि आज खाली अग्रवाल ही नहीं अन्य समाज भी आज उनको पूछते हैं। ऐसे महाराज अग्रसेन जी की जो जीवन गाथा है बहुत अद्भुत है। ये बात उस समय की है जब द्वापर काल अपनी अंतिम चरम सीमा पर था। द्वापर काल जाने वाला था और उसी समय महाराजा अग्रसेन का जो जन्म भी हुआ था। उसके समय आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि जो अग्रसेन महाराज हैं ये राजा राम जी के ही वंशज हैं। राजा राम जी के दो पुत्र थे लव और कुश। महाराजा जो अग्रसेन हैं वो कुश की 34वीं पीढ़ी में ही उत्पन्न हुए, परंतु उसके बाद में फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो खंड खंड में विभाजित होता गया। नहीं तो वैसे क्षत्रियों में आप बड़े तो होते लेकिन विभाजित के कारण आप आज वैश्य समाज में आ गए हैं। तो उस समय लगभग आज से 5204 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी के जन्म के तथ्य मिलते हैं। प्रताप नगर के राजा बल्लभ सेन एवं उनकी पत्नी भगवती देवी ने आश्विन शुक्ल एकम के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हीं का नाम महाराजा अग्रसेन हुआ और ये तांडव मुनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजे गए। वहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। जब घर वापस आए तो उस समय महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत के युद्ध की जैसे ही सूचना मिली तो इनके पिता महाराजा बल्लभ सेन ने इनको साथ चलने का आदेश दिया कि आप हमारे साथ महाभारत के युद्ध में चलें। उस समय महाराजा अग्रसेन की आयु मात्र 15 वर्ष थी। अग्रसेन जी अपने पिता के साथ में महाभारत के युद्ध में गए। वहां पर बड़ा भीषण युद्ध हुआ और भीष्म पितामह के तीव्र बाणों के प्रभाव के कारण उनके प्रहार से राजा बल्लभ सेन की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब राजा बल्लभ सेन की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में इनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। बहुत ये शोकाकुल हुए और शोकाकुल होकर के एक शांत आराम से बैठ गए। बाद में श्री भगवान कृष्ण ने ही आकर के इनको उपदेश दिया, शोक से उबरने का इनको अभय वरदान दिया। उसके बाद इन्हें कहा कि आप अपने राज्य में जाएं और पिताजी के बनाए हुए राज्य की अच्छी तरह देखभाल करें। भगवान की बात मान करके ये अपने राज्य में आए। राज्य का भार सब इन्होंने अपने कंधे पर ले लिया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही अनेकानेक प्रकार के कष्ट सहते हुए अपने राज्य में बहुत सुख संपत्ति खुशहाली का वातावरण इन्होंने बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे जब इनके विवाह का समय आया तो ये राजा कुमुद जो कि नाग वंश के थे उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया था। उस स्वयंवर में गए तो वहां पर राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में जाकर के जब इन्होंने देखा तो वहां अनेकानेक बड़े बड़े इंद्र सहित भी अनेकानेक राजा आए थे। कुमारी माधवी ने सबको छोड़ करके इनके गले में आकर के माला डाल दी, इनके साथ स्वयंवर कर लिया। तो इस पर इंद्र को अपमान महसूस हुआ। इंद्र को लगा कि मैं देवताओं का राजा हूं और उसके बाद भी इसने मेरा अपमान किया है। तो इंद्र ने कोप के कारण उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। जैसे इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तो वर्षा बंद होने के बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने भवन के सारे कोष द्वार खोल दिए। अब कोष द्वार खोलने से थोड़ी सी राहत तो प्रजा को मिल गई, परंतु ये पानी कहां से लाए। उसके बाद भी ये दुखी हुए
जब दुखी हुए तो इन्होंने विचार किया क्या करें, तो इनको अपनी कुल देवी माता श्री लक्ष्मी जी की याद आई। इन्होंने उनकी आराधना की, उन्होंने रात्रि में आकर के इनको स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के समझाया कि कोल्हापुर के महाराज महीरथ हैं, उनकी पुत्री से यदि तुम विवाह कर लेते हो तो उनकी भी शक्ति तुम्हारे साथ आ जाएगी। यदि उनकी शक्ति तुम्हारे साथ आ जाएगी तो तुम इंद्र के शक्तियों से फिर उनका सामना आसानी से कर सकोगे। जब ये बात मान करके पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं माता, हम तो एक विवाह में ही विश्वास रखते हैं, परंतु यदि प्रजा के कारण हमें दूसरा विवाह करना पड़ रहा है तो हम आपकी आज्ञा मान करके जरूर करेंगे। तो माता कुलदेवी लक्ष्मी जी की आज्ञा मान करके इन्होंने दूसरा विवाह किया। राजा महीरथ की पुत्री, ये भी राजा महीरथ नागवंश के ही थे, दो दो नागवंश के साथ में इनका रिश्ता होने के कारण अग्रवाल समाज आज भी नागों को अपना मामा के रूप में मानते हैं, सभी नागों को अपने मामा के रूप में पूछते हैं। तो अग्र बंधुओं ने अब नाग को ही अपना मामा माना। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि हम अपने राज्य का विस्तार करें। राज्य का विस्तार करने के लिए ये नगर के बाहर गए, वहां जाकर के विचार करने लगे कि हम अपने नगर की स्थापना कैसे करें, अपने नगर का विस्तार कैसे करें, क्योंकि अहिंसा से ये घबराते थे। इस हिंसा करने से ये घबराते थे, किसी की भी हिंसा में इनकी ज्यादा प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि इन्होंने महाभारत का भीषण युद्ध भी देखा था। इसलिए हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा उन्होंने कि एक शेरनी अपने शावक को उत्पन्न कर रही है, शेरनी बच्चा दे रही थी। जब ये देखा तो शेरनी के बच्चे ने इनको हाथी पर आते हुए देखा तो उस बच्चे को लगा कहीं ये मेरे ऊपर क्षति ना पहुंचा दे, तो उस बच्चे ने हाथी पर हमला कर दिया। परंतु हाथी इतना बड़ा, उस शेर का बच्चा उसका क्या बिगाड़ सकता था। राजा पुनः अपने महल में वापस आए, आकर के उन्होंने इस दृश्य को बहुत गंभीरता से विचार किया, बहुत गंभीरता से इसको सोचा और अपने सभी मंत्रियों के साथ, सभी ज्योतिषियों के साथ ये घटना उनके सामने उपस्थित की। उसके बाद में इन्होंने निर्णय किया कि जहां पर हमने ये दृश्य देखा है वहीं हम अपने राज्य की स्थापना करने का विचार करते हैं। तो उन्होंने उसी जगह अपने राज्य की स्थापना करने का विचार किया और वहां पर एक राज्य की स्थापना की, जिस राज्य का नाम उन्होंने अग्रियगढ़ या अग्रोदय रखा, जो कि हरियाणा के हिसार के पास में स्थित है। वह आज अग्रोहा नाम से स्थित है, जहां पर अग्रवालों का पांचवा तीर्थ स्थान के रूप में भी माना जाता है। धीरे धीरे महाराजा अग्रसेन ने 18 राज्यों की स्थापना की। राज्यों की स्थापना बड़े ही रोचक विधि से इन्होंने की। इन्होंने एक नियम रखा, जो भी हमारे राज्य में नया व्यक्ति बसने के लिए आएगा उस राज्य में जितने लोग हैं वो एक एक रुपया या एक एक ईंट की मदद करके उसका घर बनवाएंगे। ये वास्तव में मैरिज मेट्र का स्वरूप वहीं से शुरू होगा। तो सभी जितने भी जो लोग थे उनके राज्य में, उन्होंने धीरे धीरे मदद की लोगों की, देखते ही देखते एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण हो गया। जब बहुत बड़े राज्य का निर्माण हुआ तो उसके बाद इन्होंने उस राज्य को 18 गण राज्यों में विभाजित कर दिया। 18 गण राज्यों में जब वो विभाजित हो गया और सुख समृद्धि के साथ में वो रह रहे थे, एक दिन उनके वहां पर गर्गाचार्य जी आए। गर्ग ऋषि जब आए तो उन्होंने कहा कि आपने 18 गण राज्यों में
अपने राज्य को विभाजित तो कर दिया है, परंतु मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि आप 18 प्रकार के यज्ञ भी करें। आप 18 यज्ञ करेंगे तो आपके यहां सुख समृद्धि शांति और भी अच्छी तरह प्रफुल्लित होगी। राजा की गर्ग ऋषि की बात मानकर के राजा ने यज्ञ का जो सुझाव था उसको एक बार विचार करते ही उन्होंने कहा ठीक है, हम यज्ञ की आज से ही आहुति प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसके लिए सबसे बड़े जो उनके पुत्र विभू थे, उन्होंने गर्ग ऋषि के साथ में जब यज्ञ प्रारंभ किया तो उसी समय से वो गर्ग गोत्र के नाम से उत्पन्न हुए। गर्ग गोत्र के नाम से वो जाने लगे और ऐसे करके धीरे 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 उन्होंने 17 यज्ञ संपन्न कर लिए। 18वें यज्ञ की जब बारी आई, 18वां यज्ञ हो ही रहा था, तो उस समय यज्ञों में प्रथा थी कि जीवित घोड़े की बलि दी जाती थी। वो विचार करने लगे और घोड़े को उन्होंने देखा कि अभी ये घोड़ा यज्ञ में समर्पित कर दिया जाएगा, तो उनको दया आ गई। जैसे ही उनको दया आई तो उन्होंने वो यज्ञ को वहीं पर रोक दिया, घोड़े को जीवन दान दे दिया। इस वजह से उस यज्ञ का इन्हें केवल आधा ही फल मिला, तो क्योंकि वो जो यज्ञ हो रहे थे वो इनके गोत्रों को बढ़ाने के लिए हो रहे थे, गोत्रों का नाम देने के लिए हो रहे थे। इसलिए अग्रवाल समाज में 17.5 गोत्रों का ही वर्णन आता है, जो कि वो जो गोत्र हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है गर्ग गोत्र, दूसरा है गोयल गोत्र, तीसरा भेदल के रूप से जाना जाता है, चौथा मंगल, पांचवा जिंदल, छठवा बिंदल, सातवा कंदल, आठवा जिंदल, नौवा बिच्छल, दसवा मित्तल, ग्यारहवा सिंगल और बारहवा एरण्य, तेरहवा नागल, चौदहवा बंसल, पंद्रहवा कुच्छल और सोलहवा धारण, सत्रहवा कांसल और जो आधा है वो गोयल के रूप में स्थापित होगा। ऐसे करके 17 गोत्र अग्रवाल समाज में स्थापित हुए। उसके बाद राजा अग्रसेन महाराज का बहुत ही राज सुख समृद्धि पूर्वक चलता रहा। उसके बाद एक दिन माता लक्ष्मी जी का इनको स्वप्न आया कि अब यहां पर आपका राजपाट पूरा हो चुका है, समय भी पूरा हो चुका है, अब आप वन में जाने की तैयारी करें। तो ये अपने बड़े पुत्र विभू को राजपाट सब सौंप करके वन में जाने के लिए प्रस्थान हुए। उस समय इनकी आयु 108 वर्ष की हो चुकी थी। 108 वर्ष तक राज महाराजा अग्रसेन ने बहुत ही अच्छी तरह अपने राज्य में शासन किया और शासन करने के बाद अपने पुत्र विभू को राजपाट सौंपा और ये जंगल की ओर चले गए। वहीं पर जाकर के जंगल में ये तपस्या आराधना में लीन हुए। धीरे 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 समय बीतता गया। उसके बाद एक दिन इनका शरीर भी शांत हो गया। ये परमात्मा की भक्ति में लीन होते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। तो ऐसे अग्रवाल समाज के जो अधिष्ठाता हैं महाराजा अग्रसेन, इनका जीवन बहुत ही कठिन मार्ग पर चलते हुए भी इन्होंने अपने आप को उस कठिनाई में डाल करके भी एक ऐसी नींव रखी जो कि आज उन सबके ही फल स्वरूप आप सब देखते हैं। आपके वो पूर्वज के रूप में भी हैं, आपके शासक के रूप में भी हैं और आपके वंशज के रूप में भी हैं। तो ऐसे महाराजा अग्रसेन की भी आज जयंती है, क्योंकि आश्विन शुक्ल पक्ष के एकम के दिन इनका जन्म हुआ था
और आश्विन शुक्ल पक्ष एकम यानी कि प्रतिपदा आज के दिन ही नवरात्रि भी शुरू होती है। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माता लक्ष्मी जी की आराधना से इन्होंने अनेकानेक कष्ट भी सहे और कष्ट सहने के बाद में आज वो इस मुकाम पर आप सबको पहुंचा दिया और आज वो खुद ही इतना कष्ट सहने के बाद में पूजित हो गए हैं। तो इनके जीवन का जो संघर्ष है, जो इनका बलिदान है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए आज हम सब अग्रवाल समाज की ओर से और जितने भी अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि कोई भी यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है या नए चीज की स्थापना करता है तो वो नव निर्माण की स्थापना करने वाला कोई सहज नहीं होता है। भगवान की जब उसके ऊपर असीम कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति नव निर्माण कर पाता है। इसलिए ऐसे महाराजा अग्रसेन जी को चरणों में सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। इसलिए प्रेम से आप सब बोलें, बोल अग्रवाल अग्रसेन महाराज की जय। जैसे पंडित ने बताया, राजा से महाराजा बनने की जो सफर है वो उसी से होता है कि आपके कर्म कैसे हैं। महाराज अग्रसेन उन्होंने भी जो पशु बलि को, जैसे पंडित ने कहा, पशु बलि को रोका और बहुत काम किए। और जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय वो लगता है जो एक ईंट और एक सिक्के का सिद्धांत, उसमें लोगों का अहम मर जाता है। मैं आपको पैसे देके मकान बनवा सकता हूँ या किसी से पैसे देके, लेकिन जब उसका अहम मर जाता है सबसे सिर्फ एक ही ईंट और एक ही सिक्का। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि सारे बनिए व्यापार में थे, इसीलिए वो व्यापार में आ गए क्योंकि जो भी नगर में आया उसको एक ईंट दी गई, ईंट से उनका मकान बन गया, सिक्के से उनका व्यापार हो गया। तो इसमें किसी का भी अहंकार नहीं बढ़ता। एक ही तो सिक्का दिया है, एक ही तो ईंट दी है, लेकिन उसका घर बन जाता है। जब रहने को घर भी हो गया और कारोबार भी हो गया तो इससे अच्छा सिद्धांत मुझे लगता है कि कोई आज भी नजर नहीं आता है मेरे को। तो महाराजा अग्रसेन की जय। हरि ओम। हाँ जी, आरती की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ेंगे तब जब उठेंगे। आरती क्या चुन्नी तो पहले चढ़वा दो, चलो चम्मड़ जी। नहीं नहीं, चुन्नी तो भी चढ़ेगी फिर वो। बोल सच्चे महाराज की अनन्य लगा दी कोई बात नहीं। Thank you.
कल्याण आरोग्यम सुख संपदम आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। Oh,
जगदंबे माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दत्या ज्योतारी माता परिसार जय। और साचे दरबार की जय। धर्म की जय। धर्म का नाशो प्राणियों में विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। एक दो सूचनाएं हैं जल्दी से आप और पंडित जी ताली जी प्रसाद का क्या करना है ना, तो ये कैसे बांटा जाएगा? मेरे ख्याल है जैसे आप डब्बे डब्बे ही दे दीजिए है ना, तो ऐसे से भी काम चल जाएगा और जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे अगली कार्यक्रम है कल जो है दूसरा नवरात्र है, दूसरा नवरात्र जो है वो मोहन सिंह जी के परिवार की ओर से नरेंद्र और नीरज जी का, तो आप जरूर आए। 5 से 7 हर रोज हर संडे छुट्टी होती है लेकिन नवरात्रों में हर रोज होगी, और उसकी जो डोनेशन है हमने इस जीवन फॉर्म कर दी है और सभी कुछ इंक्लूसिव है, तो उसमें आप जरूर आए। हाँ जी, आपके भतीजे हैं मोहन सिंह जी, तो उनकी ओर से है भांजा, तो भांजा है तो उनकी ओर से है मोहन सिंह जी की ओर से, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और एक हमारी जो तीसरी है वो हमारे ज्योति जी और वंदना जी के परिवार की ओर से है, तो आप आए और उनके भी परिवार से उनके मम्मी पापा आए हुए हैं तो उनसे भी मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे, तो आप जरूर आए। और उसके अलावा जो सप्तमी की है वो हमारी सोनिया जी है, तो उनकी ओर से है। एक हमारी जो चौकी बुक है जो डॉक्टर अमर मित्तल है उनकी ओर से है, तो आप कभी भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। और 51 पाउंड हमने उसकी सिर्फ चौकी नवरात्रों के लिए उसकी मिनिमम डोनेशन रखी है, लेकिन आप कुछ भी लेके करवा सकते हैं जी। अच्छा अश्विनी क्या मैम भूल जाते हैं, नीतीश शर्मा जी आपके परिवार की ओर से लिखिएगा अश्विनी जी आपके, तो आपका बहुत उषा जो वो सोहर नंबर ठीक है, उषा जी की ओर से अपने सप्तमी सोनिया जी की है और अष्टमी जगदीश जी की है, और तो और बाकी एक जो उषा जी की ओर से मैं जल्दी से आज के जो सहयोगी हैं उनके नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। आज का जो ये माता रानी का श्रृंगार साड़ी है वो भी अग्रवाल समाज के लोगों की ओर से आई है, और मिला जी आंटी और दी आंटी ज्योति जी और अंकल ये सब वहां से लेके आए लेस्टर से, और जो 56 होती है वो भी सभी से आप लोगों की ओर से ही प्रायोजित है स्पॉन्सर्ड है। उसमें मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूँ, विपुल अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई साहब उनके परिवार की ओर से 31 पाउंड, हमारे परिवार की ओर से 31 पाउंड, कृष्णा गुप्ता आंटी जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, शैलेंद्र गोयल जी आपके परिवार की ओर से बड़ी सेवा आती है हर बार आती है इस बार भी 101 पाउंड आपका धन्यवाद। रेणु मंसल जी हमारी रेडफोर्ट से आई हुई है आपकी ओर से 31 पाउंड, डॉक्टर पीडी गुप्ता जी हावी है आपका धन्यवाद। राजेंद्र जी सीता जी के परिवार की ओर से गुप्त है, राजकुमार जी गीता गुप्ता जी के परिवार से 31 पाउंड, राज जवाहरी अग्रवाल जी आंटी जी हमारी योगिता जी की मम्मी उनकी परिवार की ओर से गुप्त है, पीयूष गोयल जी ये डॉक्टर पीयूष गोयल है ये भी के पास रहते हैं, तो आपके परिवार की ओर से माया गुप्त है। अमित बंसल जी राखी बंसल जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, किरण गुप्ता आंटी जी के परिवार से गुप्त, मीनू अग्रवाल जी और आपके परिवार की ओर से गुप्त, पंकज चौधरी जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, डॉक्टर प्रीत गुप्ता जी रेखा जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, अनुपम महेश्वरी जी आपके परिवार की ओर से जिनका गोत्र अटलस है आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, डॉक्टर रमन मित्तल जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, डॉक्टर जयंत गुप्ता आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, मोनिका अग्रवाल जी आपके परिवार की ओर से 30 पाउंड, दिनेश सिंगला जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, दिलमोहन अग्रवाल जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, शशि गुप्ता सुनीता गुप्ता जी आपके परिवार की ओर से 31 पाउंड, एक नाम भी गुप्त है और माया भी गुप्त है, और एक और गुप्त जो है उनकी ओर से 31 पाउंड, शशिबाला गुप्ता आंटी जी के परिवार से 31 पाउंड, डॉक्टर चंदन गुप्ता जी आपके परिवार की ओर से 21 पाउंड, अर्चना गुप्ता जी आपके परिवार की ओर से 21 पाउंड, और आपकी ओर से बहुत सारे फलों की सेवा आई है और मिठाई के 56 जो भोग है ये आप सभी की तरफ से जिनके मैंने नाम लिए हैं उनकी ओर से बहुत सारे हैं। एक जो गुप्त है वो 1001 पाउंड है,
धन्यवाद नवीन गर्ग सुरेश्वर जी ये सुन रहे थे मेरे को कहीं तो उन्होंने वो ढूंढने बुलाया कि मेरे को आपसे जरूरी मिलना है और मेरे को अपना नाम लिखवाना है तो उन्होंने सिर्फ मैंने नंबर एक्सचेंज किया था और अगले दिन मेरे पास मैसेज आया है कि मेरे को इसकी जरूरत है प्रॉब्लम है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इसमें कुछ रह गए होंगे मैं हमेशा रह जाते हैं राजगुरु अग्रवाल जी आपके परिवार को आपका धन्यवाद हाँ जी नौवीं की जो कि 4 तारीख को है उसका मैं और भी कार्यक्रम भेजूंगा हमारा उस दिन जो हमारा नवरात्रों का आज सूर्य पंडित जी ने आज जो कलश बिठाया और भगवान जी को आह्वान किया सभी भगवान जी को बुलाया वरुण देव के माध्यम से और ज्योत के माध्यम से तो और मंत्रों के उच्चारण से तो आपका पंडित जी धन्यवाद तो उनका जो हवन होगा नवरात्रों का तो वो पंडित जी हमारा मैं तारीख तो भूल गया मेरे ख्याल है लेकिन वो नौवीं के दिन सुबह होगा दिन में होगा किसी टाइम तो उसका बता देंगे और नवमी की आपकी चौकी है हमारे नरेंद्र जी और नीलम जी आपका बहुत बहुत आभार आपसे यही आग्रह है कि आप आते रहें क्योंकि मंदिरों की शोभा भगवान से तो है ही रावण से तो है ही लेकिन आपसे भी है तो आप आए आप इसे मंदिर को रंग लगते हैं राजकर तो वैसे ही मंदिर कष्टों में चल रहे हैं आपको मालूम है हमारे को भी अभी सिक्योरिटी भी करनी है और हमारी अच्छी बात यह है कि हम जो लिफ्ट का कई महीनों से जब तो जहर में थे और बड़ी कष्ट में कैसे करेंगे हमारा उसका 60,000 उसका हमारा जो उसकी जो कोड मिली है और हम 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं अभी हमारे पास 31 लोग हैं वो 25,000 हो गए हैं पर उसकी कोई बात नहीं आप आए और मंदिरों की सेवा चलती रहे और आप जो भी दे सकते हैं पैनी या पाउंड उसकी मंदिरों को हमेशा जरूरत रहती है आपका बहुत बहुत आभार जयकारा शेरा वाली का बोल आज बहुत सारा भोग बना है सिर्फ भोग लेके जाएं और पंडित जी से यहाँ से भी प्रसाद दें और जो धन्यवाद जय माता दी